Hey guys, welcome to the channel and hope you guys are absolutely fine. Welcome to another video जिसमें हम बात करने वाले हैं about the upcoming Hyundai Creta facelift model के बारे में. Hyundai Creta एक बहुत ही popular SUV है इंडिया में and ये one of the top selling SUVs रहती है sales list में. ये जो particular SUV है ये 2020 में launch हुई थी, लेकिन अब Hyundai ने इसका facelift version भी reveal कर दिया है इंडोनेशिया में, जो कि 2024 तक इंडिया में भी launch किया जाएगा. तो चलिए जानते हैं Hyundai Creta facelift मॉडल के बारे में, इसमें क्या क्या नए चेंजेस और फीचर्स आपको मिलने वाले हैं. सबसे पहले हम डायमेंशंस की बात करते हैं. तो Hyundai Creta फेसलिफ्ट मॉडल का डायमेंशन सेम ही रहने वाला है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट मॉडल. इसकी लेंथ है 4300 mm, विथ है 1790 mm, हाइट है 1635 mm और व्हील बेस है 2610 mm का. बूट स्पेस की भी अगर हम बात करें तो प्री फेसलिफ्ट मॉडल से कोई भी चेंजेस आपको फेसलिफ्ट क्रेटा में नहीं मिलेगा. बूट स्पेस भी जो है इसकी 433 लीटर्स की ही आपको मिलने वाली है. इवन ग्राउंड क्लियरेंस में भी आपको कोई भी चेंजेस एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट मॉडल क्रेटा फेसलिफ्ट मॉडल में नहीं मिलेगा. इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उतनी ही रहने वाली है फेसलिफ्ट वेरिएंट में, जो कि 190 mm की. इंजन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो Hyundai Creta में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं अक्रॉस द वेरिएंट एंड इंजन ऑप्शंस आपको तीन दिए जाते हैं. फेसलिफ्ट में भी आपको तीन इंजन ऑप्शंस ही मिलेंगे. इसमें होगा 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करेगा 115 HP की पावर और 144 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. दूसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 115 HP की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. और तीसरा होगा 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 140 HP की पावर और 242 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. ट्रांसमिशन की भी अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी आपको काफ़ी सारे मिलते हैं, जैसे कि मैनुअल ट्रांसमिशन, IMD ट्रांसमिशन, CVT ट्रांसमिशन, टॉक कन्वर्टर या DCT गियरबॉक्स के साथ आप वेरिएंट्स में चूज कर सकते हैं. काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं. माइलेज की अगर हम बात करें तो Hyundai Creta फेसलिफ्ट मॉडल का माइलेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा जो कि प्री फेसलिफ्ट मॉडल में है. इसकी माइलेज रेंज है 16.8 KMPL से लेके 21 KMPL तक, ये कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंजन या गियरबॉक्स ऑप्शन चूज करते हैं. अब हम बात करते हैं इंटीरियर फीचर्स की. तो इंटीरियर के फीचर्स जो है वो काफी सारे अपडेट होने वाले हैं Hyundai Creta फेसलिफ्ट में. लेआउट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है. लेआउट ऑलमोस्ट डैशबोर्ड का जो है वो सेम ही मिलेगा. बट नए फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलेगा नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको Hyundai Alcazar में भी देखने को मिलता है. ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जो वो है अपडेट हो जाएगी, जिसमें आपको स्टोलन व्हीकल ट्रैकिंग, स्टोलन व्हीकल इमोबिलाइजेशन और वैले पार्किंग मोड जैसे फीचर्स जो है वो ऐड किए जाएंगे. ADAS जो कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है, जो कि एक सेफ्टी फीचर है, इसमें आपको लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग विथ फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस जैसे फीचर्स जो है वो आपको ADAS में भी दिए जाएंगे. लेकिन ये जो सारे फीचर्स है ये सिर्फ आपको टॉप स्पेक वेरिएंट में ही अवेलेबल होंगे. बाकी फीचर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि प्री फेसलिफ्ट मॉडल में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट, एम्बिएंट लाइटिंग और एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स जो है वो आपको फेसलिफ्ट वेरिएंट में भी ऑफर किए जाएंगे. एक्सटीरियर लुक की बात करें तो Hyundai Creta फेसलिफ्ट मॉडल का एक्सटीरियर लुक जो है वो काफी अलग होने वाला है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट मॉडल. इसमें जो आपको नया फ्रंट फेशिया मिलेगा, जिसमें टूसॉन से इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिल जाएगी. इसमें Hyundai का नया पैरामेट्रिक ग्रिल है, जिसमें LED DRLs को जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहता है, छुपा लेता है. हेडलाइट्स भी थोड़े नीचे पोजीशन किए गए हैं और रेक्टेंगुलर शेप में आपको मिलेंगे. रियर एंड भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसमें टेल लाइट जो है वो और भी ज़्यादा शार्प दिखने लगी है, शार्प डिज़ाइन है. और रियर प्रोफाइल है कम्प्लीटली बूट लीड जो है उसकी भी डिज़ाइन आपको थोड़ी सी चेंज मिलेगी. एलॉय व्हील्स भी जो है वो नए डिज़ाइन के मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलते हैं. तो अब हम आते हैं सेफ्टी फीचर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Hyundai Creta फेसलिफ्ट मॉडल में आपको प्री फेसलिफ्टेड मॉडल से ही सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स विद पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट सीट एंकर्स. साथ ही साथ आपको ADAS सेफ्टी फीचर्स भी इसमें मिलेंगे, जो कि टॉप स्पेक वेरिएंट में ऑफर किए जाएंगे. एक्सपेक्टेड प्राइस एंड लॉन्च डेट की अगर बात करें तो Hyundai Creta फेसलिफ्ट मॉडल की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज होगी 11 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में, और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है January 2024. अब तक Hyundai की तरफ से जो है कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन तो नहीं आया है, बट जल्द ही कन्फर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि पहले भी Hyundai ने स्टेटमेंट दिया था.
तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द Hyundai Creta फेसलिफ्ट मॉडल, जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हमने कवर किया है। और Hyundai Creta का जो फेसलिफ्ट मॉडल है वो कैसे है लाइक एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट मॉडल, हमने कंपैरिजन भी एक छोटा मोटा किया, इसके स्पेसिफिकेशन, इसमें नए फीचर्स क्या आने वाले, सारी चीज़ों के बारे में आज हमने इस वीडियो में बात किया है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।